इसका मतलब है आप जो कथा सुन रहे ना, बैठ बैठ करके एक बार प्रयाग ही करोड़ों करोड़ बार प्रयाग में बैठे बता रहे, करोड़ों करोड़ बार। इसलिए जहाँ भागवत कथा होती है पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आप लोग बैठ जाते हैं, और सत्य सब तीर्थ में आप लोग बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में नहा दिए। श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब चतुष्ने की भागवत कथा थी, ये भागवत कथा के प्रभाव से वहां पर जितने कथा लोग सुन रहे थे, कथा समाप्त होते ही सभी के लिए वैकुंठ से रथ आया। यहाँ तक भी जो पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े थे, ये भागवत कथा के प्रभाव से उनको भी भगवत गति प्राप्ति हो गई। जब यह वस्तु को श्री नारद जी ने देखा और बड़ा आश्चर्य लगा, तब उन्होंने बीच में एक प्रश्न करते हैं, बोले चतुर्सेन जी आप कृपा करके बताओ, अगर कोई प्रेत युद्ध में पड़ा था, किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं मिल रही, बड़ा कष्ट उठा रहे, क्या भागवत कथा सुन करके उनकी मुक्ति होगी? कथा सुन करके जब उन्होंने ये बात बताए, फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधुकर की कथा सुनाई। बोले स्त्री है कैसे, तुंगभद्रा नदी के किनारे में कोई एक ब्राह्मण रहता था जिनका नाम था आत्मदेव। कहते उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम थी धुंधुली। देखो जगत में भी हमें भी ऐसे देखने को मिलता है। मतलब क्या है आत्मदेव? मतलब जो आत्मा में जो देवता भी होते हैं पवित्र है। धुंधली मतलब अंधकार अज्ञानी है। देखना कि जगत में भी ऐसे स्थान है, पत्नी अगर प्रभु को भक्ति करती है, देखना कभी पति भजन नहीं करता है। कई बार पति अगर आत्मदेव और पत्नी भी धुंधली है, धुंधल जाने दिया, वो भगवान भगवान भजन विशेष करते नहीं। अगर पत्नी कहीं भक्ति करती है, कहीं पति को भक्ति से दूर दिखने को मिलती है, कहीं अगर पति भी भक्ति करता है ना, पत्नी कभी उल्टी पुलटी होती है। लेकिन भगवान की विशेष अगर कृपा होना, देखना घर में पति पत्नी दोनों एक साथ में भजन करते हैं, ये बड़े किस्मत वालों को ये चीज मिलती है। जिस घर में पति भी भगवान की भजन करे और पत्नी भी भगवान की भजन करे, समझो ठाकुर जी की उनके ऊपर में विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। नहीं तो अक्सर करते धुंधली और धुंधुकर मिलते हैं, आत्मदेव और धुंधली मिलती है। अभी ये आत्मदेव का घर में सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? एक व्यक्ति सबसे पहले चाहता है मेरे किसी अच्छे कुल में जन्म हो। वो कौन सा कुल में जन्म हो? ब्राह्मण कुल। उसको बाद में क्या चाहता है? मेरे जो शरीर है सुंदर होनी चाहिए, वो देखने में कैसे? बोले दिव्य और युवाभास कर, दूसरे सूर्य जैसे इतने तेज है। उसको बाद में एक व्यक्ति क्या चाहता है? पढ़ाई लिखाई बहुत हो। बोले इतने विद्वान, इतने विद्वान था वो व्यक्ति जो सोच भी नहीं सकते हो, स्मार्टस है, कर्मस निष्णात जो था, पंडित था। उसको बाद में क्या चाहता है? घर में पैसा हो, खूब माल हो, घर बल्कि इतने पैसा जो सोच भी नहीं सकते हो। पर उसको बाद में एक व्यक्ति क्या चाहती है? किसी सुंदरी लड़की से मेरी शादी हो जाए। इसकी पत्नी है तो नाम तो धुंधुली, लेकिन देखने में बड़ी सुंदर। मतलब है इसी जगत में एक व्यक्ति जो कुछ चाहता है घर में, उसको घर में पूर्ण रूप में बसता, लेकिन घर में सुखी नहीं। बोले क्यों? बोले घर में कोई औलाद है। हाँ देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, एक बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं? शायद जगत में अच्छे घर में जन्म हो जाए, खूब पैसा हो, सुंदरी पत्नी हो, शायद सुखी हो जाए। बोले नहीं, स्वयं कृष्ण कहते हैं कि जो संसार है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं जो संसार है ये दुखालय असार। भगवान कहते हैं ये संसार ये दुख का एक घर है। कल कह रहे थे ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, दुखी 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 दुखी। लेकिन सुखी कौन है? बोले सुखी राम का दास। सुखी कौन है? हाँ, जो भगवान
भगवान की भक्ति करना है वो ही केवल जगत में सुखी रह सकता है। लेकिन अगर कोई सोचे खूब पैसा कमा ले, हैं खूब पैसा कमा ले और बढ़िया एजुकेशन हो जाए, बढ़िया नौकरी चाकरी मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, भैया ये दुनिया की वस्तु का भी जीव को सुखी नहीं कर सकता है। रावण का नाम सुने हो आप? बताओ तो रावण का नाम कौन सुने? हाथ उठा दो। रावण का नाम कौन सुने हो? सुने हो रावण? जानते हो रावण के पास क्या था? सोने की लंका है, सोने की लंका। तुम्हारे पास कितना सोना होगा? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो? नहीं ना, 10 किलो? 10 किलो सोना, इससे तो ज्यादा सोना नहीं होगा ना। पर उसकी लंका भी सोना, उसका डाइनिंग रूम देखो, किचन देखो, बाथरूम देखो, उसको मकान दुकान सब सोना ही सोना ही है। रावण का पत्नी का नाम क्या बता सकते हो? मंदोदरी। का मतलब क्या जानते हो? मंदा मतलब होता है पतली और उदर मतलब होता है कमर। जिसकी कमर इतने पतली थी, किसकी बेटी आपको पता है? विश्वकर्मा की। ये विश्वकर्मा ने जितने सुंदर सुंदर गुण दे करके सुंदरी उसको बनाई थी, अद्भुत सुंदरी। उसी समय में वो विश्व सुंदरी थी। बेटा का नाम मेघनाथ, लेकिन लंका में भी उसका चयन नहीं, वो बेचैन है। लंका भी सोने की लंका पा करके, और जहां से सुंदरी सुंदरी स्त्रियां मिली गंधर्व लोक से, वहां से तो उसने हड़प हड़प करके लाए, लेकिन संसार में सुखी नहीं, दुखी दुखी पर चिंता को मिल गया। लेकिन लंका में केवल एक व्यक्ति सुखी थी, बता सकते हो कौन था? बाबा रे, हम लोग सब पंडित लगता है। हाँ, सही सही बात होता है। एक विभीषण वहां पर चयन में रह रहा था और सबके सब बेचैन में थे। बोले क्यों विभीषण सुखी था? बोले भगवान की भक्ति करता था, भगवान की भक्ति करता था। यहाँ शिक्षा देते हैं भैया, भगवान कहते ना, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख निवारे। इसलिए आत्मदेव के घर में सारे सुख है, लेकिन घर में औलाद नहीं। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा कंजूसी थी, इतने कंजूसी, एक भी पैसा कोई सत्कर्म में नहीं लगा, केवल जोड़ना जोड़ना जोड़ना। बोले देखो देखो ध्यान देखो, सुनो, ये जो पैसा है ना, इसका नाम है लक्ष्मी। पैसा का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी आपकी ना, लक्ष्मी नारायण की। बताओ लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, भले ही पैसा आएगी लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारी है नहीं। लक्ष्मी तो ठाकुर जी की लक्ष्मी, अगर तभी लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी जब वो लक्ष्मी भगवान की सेवा में, सत्कर्म में, भगवत कथा में, अच्छे काम में लगाओ, तभी वो लक्ष्मी घर में सुख शांति देती। नहीं तो घर में पैसा आने पर भी वो घर में सुख शांति नहीं देगी, लड़ाई झगड़ा अशांति दुख कर चली आएगी। इसलिए आत्मदेव के पास में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन संसार में सुखी नहीं मिले। क्यों? बोले घर में संतान। एक दिन सोचा, सारा दुनिया निंदा करते थे, इसकी मुंह देखा मत करो, हाँ अगर इसका मुंह समझ नहीं लिया ना, दिन भर भूखे रहोगे। एक दिन वो दुखी होकर के आत्महत्या करने गया, बड़े दुखी होकर के रो रहा था। जब भगवान किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं, दो रूप में ठाकुर जी आते हैं, एक ब्राह्मण रूप में, नहीं तो संत रूप में आते हैं समझाने के लिए। इतने में माना ठाकुर जी एक संत रूप धारण करते हुए आए उसको समझाने के लिए। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले मेरे घर में सारे सुख है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, इसलिए हम दुखी है, इसलिए हमें एक संतान चाहिए। उन्होंने बोले बेटा मैं तो देख रहा हूँ लला पढ़ करके, एक जन्म की उत्तर घर में 7 जन्म तक भी तेरे बच्चा होने वाले नहीं। बोले एक जन्म में कितना दुखी, 7 जन्म तक तो बच्चा नहीं हो गए। बोले जब आप ये बात को बता सकते हैं ना, आप संतान दे नहीं सकते हो, क्योंकि जो ना करे लकड़ी कहते सो करे फकरी। लकड़ी मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य में नहीं तुम्हारी, फकरी होते हैं भगवान की जो शुद्ध भक्त है। अगर वो कोई वाणी अगर बोल देगा ठाकुर जी अपना वाक्यों को खत्म करके, भक्तों का वाक्यों को प्रभु रक्षा करके देंगे, तब हमने चरण पकड़ के रोने लग गए, मुझे एक संतान प्रदान कियो, पर
तब श्री ब्राह्मण ने उनको समझाया, बोले देख बेटा संतान से भी सुखी नहीं होते हैं। तुमने सुना सगर महाराज का कथा सुनी? बोले हाँ। बोले बताओ तो कितने बच्चे थे? बोले 10,000। बोले सुख मिला है तुमको? बोले चित्रकेतु महाराज का नाम सुने हो? बोले हाँ। बोले कितने पत्नी थी? बोले एक करोड़। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे बच्चे की लोभ से साथ शादी करते थे, और एक बच्चा हुआ तो सुख मिला, बाद में रानियां मिलकर के जहर खिला दी तो इतने दुखी हुई। फिर अंग्रेज से आकर के ध्यान की बात बताई, फिर प्रभु की भक्ति जब किया उनको शांति मिली। बोले बेटा अगर घर में संतान नहीं, दुखी मत करो। दुखी नहीं होकर के ठाकुर जी को ही बेटा बना था, इसका कैसे कोई बेटा होगा? तुम्हें बेटा कन्हैया जैसे कोई बेटा होगा? भगवान को बेटा मान लो, ठाकुर जी के बेटा बना लो, हैं? ठाकुर जी सब कुछ करेंगे। देखो वृंदावन में ना एक माता जी रहती थी, ईसा ही घटना है, तो उन्हें सब कुछ घरवार छोड़ करके वृंदावन में भजन करने के लिए आए, और अपना बेटा गोपाल जी को ही अपना बेटा मान लिया, और गोपाल जी की सारा दिन सेवा कर रहा, सारा दिन इनको खिलाओ, सारा दिन इनको झुलाओ, सारा दिन इनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, सारा दिन ये सेवा करते थे। लेकिन हमारे ठाकुर जी कहते हैं जो सारा जीवन मेरी सेवा करेगा ना, लेकिन जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाए फिर उनको सेवा कौन करेगा? ठाकुर जी कहते मैं करूंगा। ठाकुर जी कहते मैं स्वयं करूंगा तुम्हारी सेवा, क्यों? तुम जिंदगी भर में तुमने मेरी सेवा की, अभी जो बूढ़ा बूढ़ी हो जाए उनको तो ठाकुर को देखना पड़ेगा ना। अभी जो माता जी बूढ़ी हो गई उनसे कोई काम नहीं हो रहा था, ये ठाकुर जी स्वयं उनको सारे काम ठाकुर जी करते थे। मार्केटिंग करना, इनके लिए खाना बनाना, पानी लाना, घर सफाई करना, माता जी को खिलाना पिलाना कृष्ण स्वयं करते। वृंदावन में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपिया जैसे तुम नचाते। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, अगर आप ठीक ठीक से ठाकुर का सेवा पूजा करो ना, ठाकुर को सही सही रूप में उनको खिला पिलाओ, देखना ठाकुर तुम्हारा लिए सब कुछ ठाकुर करेंगे। हम कहते ना उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलती है, इसलिए संत ने समझा कि देख बेटा अगर कोई बेटा नहीं तो दुखी मत हो, हाँ दुखी नहीं होकर क्या करो, ठाकुर जी को ही अपना बेटा मान करके ठाकुर जी की सेवा पूजा कर पुकार सुन रहा हो। देखो हम लोग कभी कभी हमारा भ्रम होता है शायद बेटा होने पर सुखी हो जाए। देखो हम सारा दुनिया में जाते हैं, प्राय करके हमारे पास में जो लोग आते हैं ना वो कहते हैं बाबा हम तो बड़े दुखी। बोले क्यों? बोले बेटे से। बोले जब तक घर में शादी नहीं हुई तब तक घर में शांति थी, पता नहीं घर में जब बहू आई एक रात में कान में क्या मंत्र दी, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब था, वो अभी हमारा बात नहीं सुनता, अभी बहू की बात सुनती है, हैं बहू की बात सुनता नहीं। इसलिए प्राय करके कम लोग आते हैं जो कहते हैं घर में संतान नहीं हम दुखी, संतान नहीं रहने पर एक दुख है, लेकिन संतान होने पर जो बात नहीं सुनते ना उस पर डबल दुख है, उसको घर में डबल दुख है। हम कहते हैं जो बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे हमारा सेवा कौन करेगा? अरे कैसे तुम सोचते हो ठाकुर को सेवा करो, कभी मत समझ सोचो हमें बूढ़ा बूढ़ी अब हमें बनने पड़े और हमारी कोई सेवा करे, ऐसे क्यों? भगवान की भक्ति करते करते चलते चलते बस तो शरीर छोड़ दो ना, क्यों हम चाहते हैं जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे हमें कोई सेवा करने का कोई जरूरत नहीं, भगवान सेवा करते करते बस ठाकुर को बस में चले जाओ। अभी क्या हुआ जब उसने किसी तरह से बात सुनी नहीं तो उन्होंने एक वृक्ष से फल को लिए और उन्होंने मंत्र पुत्र करके उनको दे दिए, बोले देख बेटा ये फल को ले जाओ पत्नी को खिला दो, और खिला करके देखो पत्नी को बोलना गीता भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीरों को, भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीरों को देखे। हाँ देखो माता ध्यान देकर सुनो हरे कृष्णा, अब सुन रहे कि नहीं सबके सब सुन रहे हो? हाँ देखो एक गर्भ संस्कार होता है, गर्भ संस्कार का मतलब है जब गर्भ में बच्चे रहे
माता को ध्यान देने जाए, उस समय कभी गंदी गंदी फिल्म मत देखा, उल्टा पुल्टा फिल्म मत देखा। देखो वो बच्चा जब जन्म लेगा ना, फिर बड़े दुष्ट बनकर जन्म लेगा, बड़े दुष्ट बनकर जन्म लेगा बच्चा, क्योंकि गर्भ में बच्चे रहते समय हम आगे सुनेंगे। आप लोग रामायण सुने होंगे ना, रामायण सुने होंगे, जब माता सीता गर्भधारण की थी, लव कुश गर्भ में थे, एक दिन भगवान राम ने जितने सारे साधु संतों को उन्हें बुलाया, और भगवान राम सीते को कह रहे, बोले सीते जानते हो आज हमने ये साधु संतों को क्यों घर में बुलाया? बोले क्यों? बोले अभी तुम गर्भवती हो, अगर इसी उम्र समय में अगर तुम सत्संग सुनोगे, भगवान की कथा सुनोगे ना, वो जो बच्चा जन्म लेगा बहुत अच्छा बच्चा जन्म लेगा, बड़ी संस्कारी बच्चा जन्म लेगा। इसलिए आज मैंने सारे संतों को बुलाया, घर में सत्संग होगी और तुम बैठ करके सत्संग सुनना। आप लोग रामायण देखे हो, लव कुश देखे कि नहीं? देखा है ना, लव कुश कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, राम के दरबार में संपूर्ण रामायण सुना रहे थे, और कितने वीर वाला देखा, हनुमान को भी धराशायी कर दिए, लक्ष्मण को, भरत को, सुग्रीव को, सबको उन्होंने धराशायी कर दिया, सबको इतने बलवान बने। बोले क्यों? बोले गर्भ में रहते समय माता जानकी ने भगवान की कथा सुना, भगवान की कथा सुना। इसलिए जितने माता है ना सावधान, जब गर्भ में बच्चे रहे कभी भी उल्टा पुल्टा पिक्चर मत देखा करो, गंदी गंदी फिल्म मत देखा करो, फिर वो बच्चा जब जन्म लेगा ना बहुत बुरे संस्कार लेके जाएगा। लेकिन गर्भ में जो बच्चा है, आप भागवत कथा सुना, तुलसी की परिक्रमा लगाओ, हैं भगवान की सुंदर सुंदर ठाकुर जी का कोई फोटो देखो, देखना उसका प्रभाव बच्चे को ऊपर में पड़ेगा, वो बच्चा बड़ा संस्कारी बनकर जाए, बड़ी संस्कारी बनकर जाए। इसलिए संत ने समझाया, देखो जब गर्भ में बच्चा होगा, गीता भागवत रामायण सुने, ब्राह्मण तो बड़ा खुश हुआ, घर में लाला भाई का बाबा ने फल दिया, लेकिन उसने दे दिया धुंधुली को, लेकिन उसका नाम ही धुंधुली है। धुंधुली मतलब जानते हो, ये अज्ञान अविद्या का पाप है, अंधकार है। वो कहा संतों का आशीर्वाद ग्रहण करती, वो तो बड़ी दुखी हो गई है, वो बड़ी दुखी होकर के सोच रही थी, ये पुरुषों को क्या पता पेट में बच्चा आए तो 9 महीना तक धारण करना पड़ता है, हील डोल नहीं पाएंगे, पहले प्रसव किया, फिर रात भर बच्चा रोता है, सो नहीं पाओगे, गिल्ली में सो करके उसको सुख में सुलाना पड़ता है, कितने कष्ट है, ये पुरुषों को क्या पता है, बोले फल खा लो बच्चा होगा। इतने में उनकी सहेली आई, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले चिंता मत करो, मेरे घर में कोई, मेरे घर में तो बच्चा है, अभी मेरे गर्भ में भी बच्चा आया है, मेरे पति के पास में पैसा नहीं, मेरे पति को थोड़ा ज्यादा पैसा तू दे दे, और पेट में कपड़ा बांध करके तुम बहानाबाजी करके सोते रहो, और तुम्हारे घर में जो बच्चा हो ना छुपा करके मेरे घर में दे देना, फिर हल्ला बचा देना। उन्होंने ठीक वैसे किया, और उसने गैया को फल खिला दी। जब गैया को फल खिलाई, जब इसकी घर में बच्चा हुआ, बच्चा तो हुआ ही नहीं, उसकी सही में छुपा छुपा करके दे दी, इसने तो हल्ला मचा दिया, मेरे घर में लाला भरे हो, और पंडित के आनंद की सीमा नहीं, खूब नाचे कूदे। लेकिन भगवान की ये देन है, देखना जब तक गर्भ में बच्चा नहीं आता है ना, तब तक अस्पताल में दूध नहीं आती, लेकिन जो बच्चे गर्भ से जन्म ले अपने आप स्तन में दूध आती है। क्यों? बोले भगवान ने ये व्यवस्था की है, जब भगवान बच्चे देते हैं तभी जाकर स्तन में कहीं दूध उतरेगी, इसकी धन स्तन तो सुखी स्तन है नहीं। उसने ब्राह्मण को बताया, मेरे भैया मेरे को क्या पता है, बोले मैंने सुनी है मेरी जो सहेली के घर में ये बच्चा हुआ है, अगर आपका आदेश हो मैं इसको घर में बुला ला, कोई बात नहीं, अभी जिसकी बच्चा थी ना वही आकर के बच्चों को ला निकाल, अभी धीरे धीरे बच्चे तो ना बढ़ेंगे। हाँ देखो सब ध्यान रखिए, सुनो भागवत है ना, बहुत अच्छी सी शिक्षा देते हैं। जब दोनों बच्चे धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक होता है नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार में ऐसे नहीं तुम्हारी मन में जो बात आए, टुल्लू बुल्लू, टिक्की मिक्की, रिंकी झिंकी, नहीं,
ये नाम को कभी मत रखना, ब्राह्मणों को पास में जाओ, पास में जो मंदिर होगा ब्राह्मण लोग उनको पास में जाओ। वो जिस समय वो बच्चा जन्म लिया है वो टाइमिंग को बताओ। फिर पंचांग से उन्होंने एक अक्षर निकालते हैं, इसी अक्षर को रख करके ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा नाम नहीं, भगवान नहीं तो उनकी भक्तों का कोई नाम है, हैं? आगे हम जा करके सुनेंगे कैसे अजामिल ने सबसे छोटा बेटा का नाम नारायण रखा और उसने नारायण करते करते ही बड़ा पा लिया। हम आगे की सारी कथा भी सुनेंगे, हैं? तो उन्होंने नियम है अक्षर रख करके भगवान नहीं तो भक्तों का कोई नाम रखो, जो बारंबार मुंह से जब निकले कृष्णा गोविंद दामोदर गीता सीता लक्ष्मी, हाँ देखो जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो सब ऐसे ही नाम होगा, जितने बड़े बूढ़ियों का नाम पूछो, लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो टुल्लू बुल्लू ये सब विदेश में ना सब कुत्तों का नाम, ये सब विदेश में ना सब कुत्तों का नाम रखवा दें। अभी कहते नहीं ये तो पुराना समय का नाम था कृष्णा गोविंद राम, ये पुराना अभी तो अंग्रेज बच्चों को बढ़ा देगा, हम अंग्रेजी सभ्यता है हम तो अंग्रेजी नाम रखेंगे, ऐसे मत रखा करो। आगे इसकी हम कथा सुनेंगे, इसलिए उसमें नियम है जब किसी बच्चे का नाम रखा जाता है कैसे रखा जाता है तुम्हें पता है? बेटा कौन होता है? जो अपना खानदान को परंपरा को जो रखा कर ये बेटा होता है। इसलिए पहले जब नाम होता था देखिए कैसे नाम होता था, जैसे राम इनका नाम कैसे हुई, उनको पिता और उनको पिता के नाम जोड़ करके बच्चे नाम रखते थे। आप बताओ भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? कौन बताए हाथ उठा, कौन थे? दशरथ। इसलिए दस र जो र क्या है जो प्रभु राम का जो राम नाम था ना दस र जो र जो अक्षर ये लिया दशरथ से, कि दशरथ महाराज का पिताजी का नाम क्या है जानते हो? अज, जो माता जी का है इसलिए उनका नाम है अज, इसलिए वहां से लिया अ, इसलिए नाम रखा रा और महा। देखो कृष्ण को देखो, कृष्ण के पिताजी का नाम क्या है बोलो? नंद। उनका पिताजी का नाम नंद बाबा है, नंद बाबा है। ये जो कृष्ण नाम में जो न है नंद बाबा का ये न अक्षर वहां से लिया है, हाँ ये अक्षर कृष्ण। उनको पिताजी का नाम क्या बोले? वर्जन बाबा है। उसलिए जो राक्षर वहां से लिया, इसलिए क्री में जो री मात्रा है वहां से लिया, इसलिए उनका नाम रखा कृष्णा। इसलिए पहले जो किसी बेटा का नाम रखते थे बेटा कौन है जो उनको पिंड प्रदान करेगा ना, बेटा है कि संस्कार करना है बेटा है। अगर किसका बेटा कोई बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाए ना हम क्या किसका बेटा है? ये अमू का बेटा है, बोलते हैं अमू का बेटा है। बेटा अपना परंपरा को रक्षा करता है बेटा। इसीलिए पहले जब नाम रखते थे पिताजी और पिताजी इनके दोनों नाम को मिला करके बेटा का नाम रखा करते थे। लेकिन धुंधुली ने कहा देखो मेरा नाम है धुंधुली और बेटा का नाम रखेंगे हम धुंधुकारी। एक का नाम रखते धुंधुकारी और दूसरा का नाम रखते गोकर। गैया ने जब बच्चा जन्म दिया दुनिया देखने के लिए आया, बोले भैया भगवान जब देते नहीं देते नहीं, और जब देते हैं कैसे देते हैं? भगवान जब देते हैं कैसे देते हैं? छप्पर फाड़ करके देते हैं, बोलते ना जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं कैसे देते हैं? छप्पर फाड़ करके देते हैं। कहते एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, बोले एक समय दो पति पत्नी रहते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी खूब भक्ति करते थे। सवेरे सवेरे पति गया था शौच क्रिया में, शौच क्रिया के बाद में जब उसने हाथ को मिट्टी मिट्टी पहले मिट्टी से सब हाथ धोते थे, उसने जहां से मिट्टी को उठाया वहां पर देखा एक ढक्कन था, वो ढक्कन उठते ही देखा वहां पर एक कलसी है जो कलसी में हीरे जवाहरात से भरा पड़ा। वो तो परम भक्त थे, देख करके बोले राम 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 राम। सबर माया के दर्शन हो गए, फिर ढक्कन को ढक्कन के चलाया और अपना पत्नी को ये बात बता रहा था। भाग्य से उसको पीछे कुछ चोर उसको घर में चोरी करने के लिए आए थे। बोले भैया बड़ा बेकूफ है, कहते सोने का कलसी हीरे जवाहरात से छोड़ करके आ गया, अच्छा हो गया हमने सुन लिया, अभी हम जाकर उठा लेके आते हैं।
लेकिन उसने जब गया उसको उठाने के लिए ढक्कन को खोला ना, ये संत थे ना, इसलिए इनको तो दिखा हीरे जवाहरात, लेकिन वो तो था चोर थे। वो ढक्कन को खोले तो देखा उसने जहरीले सर्प पहने बिच्छू है ततैया भरा पड़ा हुआ। बोलिए तो बड़ा दुष्ट है ये, तो हमें मरवाने के लिए इसने ऐसे बात को बताया। चलो ये कलसी को ले गए ना, उसको फेंकेंगे वही मरे। और वो कलसी को लेकर के आए और छत के ऊपर में गए और करत से छत को उन्होंने काटा। काट के जब ऊपर से कलसी को उसने नीचे से फेंका, कलसी में क्या था? हीरे जवाहरात से भरे बड़े मेरे। जब ऊपर से फेंका ना, कलसी तो टूट गई और देखा हीरे जवाहरातों से घर एकदम भर गया। बोले भैया भगवान जब देते नहीं देते नहीं, और भगवान जब देते हैं कैसे देते हैं? छपर फाड़ करके, छपर फाड़ करके देते हैं। बोले अच्छी बात, जब ठाकुर की इच्छा से है, जब ठाकुर को इच्छा से आई, रोज उसको भंडारा करो, भगवान को भोग लगाओ और सब भक्तों को रोज रोज प्रसाद खिलाओ। अभी सारा दुनिया देखने के लिए आए, इसकी घर में गैया ने भी बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया। सारा दुनिया देखने के लिए आए, सारा दुनिया देखने के लिए आए। जब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े किए, संत का दिया हुआ उसका फल तो अच्छा ही होगा, इसलिए बोकर लड़ता पंडित का ज्ञानी, और जो संतों को धोखे दी और धोखा देने का फल किया। बोले धुंधु काली महाखल, ये जो धुंधु काली बहुत दुष्ट बना, किसी घर में आग लगा ले, किसी बच्चे को देख करके कुएं में धक्का मार दे। अभी शाम होते 15-20 शिकायत, तेरे बेटा ने आज घर में ये कर दिया, तेरे बेटा ने ऐसे कर दिया, तेरा बेटा ने ऐसे कर दिया। अभी पूरा गांव गांव में अमुक बेटा ने, आत्मदेव का बेटा ने ऐसे किया, आत्मदेव का बेटा ने ऐसे किया, पूरा गांव में बदनामी हो गई। बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी हो गया। तेरे बेटा पहले दुखी था, बोले क्यों दुखी था? बोले घर में संतान नहीं। बोले अभी क्यों दुखी हो रहा है? बोले घर में संतान हुआ है, पहले संतान नहीं था इसलिए दुखी था, लेकिन अभी क्यों दुखी है? संतान घर में, ऐसे संतान कैसे हो गया? उसने बड़ा दुखी होकर के उसने जा करके जो होकर रखा उसको जा करके बोले, बोले बेटा मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले क्यों दुखी हो? बोले बेटे की वजह से। बोले बेटे की वजह से दुखी नहीं, तुम्हारी आसक्ति की वजह से तुम दुखी हो, तुम्हारी आसक्ति की वजह से तुम दुखी हो। फिर गोकर्ण ने पिताजी को इतने सुंदर सुंदर बात बताई। बोले पिताजी, बोले न चंद्र सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्तिना। बोले पिताजी आप सोचते हो क्या स्वर्ग में जाने पर सुख मिलेगा? आप इंद्र को जाकर के पूछ लो तुम सुखी हो? जब देवता को अंदर में ताकत होता है ना, सबसे पहले वो जाकर के देवता को ऊपर में चढ़ा करते हैं। पता नहीं इंद्र को कितने तक कितने दुर्गत मिला है। बोले पिताजी स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं। बोले न सुख हमें चक्रवर्ती ना, अगर कोई सोचे चक्रवर्ती राजा बन जाए सुख मिलेगा? इंदिरा गांधी का नाम सुने हो? कौन कौन इंदिरा गांधी का नाम सुने? आप बताओ तो कैसी मरी, आप बताओ तो मरी कैसे, बताओ तो। बोली खा गई। राजीव गांधी का नाम सुने हो? सुनो राजीव गांधी का, बताओ तो कैसे मरी, वो भी गोली खाएगा। अब सोनिया गांधी का नाम सुने हो? वो इसी की डर के मारे ना, उसने राजनीति जिंदगी भर बैठी नहीं, मेरे भी गोली खा के खत्म नहीं करी। इसलिए अगर कोई सोचे हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे तब सुखी बनेंगे, बोले पिताजी उसी में भी वही सुखी नहीं हो सकते। बोले सुखी कैसे हो? बोले एक व्यक्ति सुखी है मुन है एकांत जीना, जो भगवान की भक्ति करते हैं पिताजी, केवल पिताजी वही जगत में सुखी रहते हैं। इसलिए पिताजी आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, भागवत कथा सुनो और ये आसक्ति को परित्याग करो पिताजी, तभी जीवन में आपको मन में शांति मिलेगी। हाँ हम लोग सबके सभी पर हाथ उठा, सबके साथ बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।
करो।